हेलो, मैंने सोचा ही नहीं था कि हम दोनों ऐसे मेरा फोन काट देते हो, मेरे मैसेज काट रही है। अरे खा ले, कभी कभी मार खा भी लिया कर। मैं आई कमांडर आके बैठता मत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रिलैक्स रिलैक्स, अगर मुझे चोट लग गई तो तकलीफ तुम्हें होगी। हां ए नाइस कार ना, ये देखो छप्पर खुल जाता है। वाओ, इस पे लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो मजा आएगा। ए मुंह बंद करो, टॉपिक मत बदलो। मैं सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। देखो फोन नहीं किया तो क्या हुआ, हमारा हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन तो कायम है ना, फोन की लाइन तो कभी भी कट सकती है। ए जिया, देखो ना मेरी आंखों में कितना प्यार। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे जैसे परे भी है। अरे ए, रुको ए, एक मिनट फोन फोन एक एक मिनट एक मिनट। ए तुम्हारे डैड के ऑफिस से फोन है। फोन उठाओ, स्पीकर पर डालो, कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा हूँ। उनकी बेटी फिर से किडनैप हो गई, अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले आपको तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। वैसे हमने काफी लोगों को अरेस्ट किया है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। किसी और ने नहीं, मैंने ही किडनैप किया है। वो मेरे साथ है और मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, समझ गए ना? दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अरे सर, लड़की की अरेंज मैरिज करवाओगे तो यही करेगी। आपकी बेटी लव करना चाहती है और अभी तक इसे कोई मिला नहीं। लड़के आपके घर तक तो आते हैं लेकिन आपकी यूनिफॉर्म देखकर भाग जाते हैं। कुछ दिन छुट्टी लीजिए, कहीं घूम आइए और इससे बात कर लीजिए। मुझ जैसे अजनबी को इसने अपनी कहानी बताई है, पता लगाइए ये क्या चाहती है और फिर इसकी शादी करवाइए। अब ये दोबारा भाग जाए तो हमारे आदमियों को मत उठाना। गेट इट। हाय, थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे डैड से बात की उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। डैड ने छुट्टी ली और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड किया, स्विट्जरलैंड ले गए थे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अब मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुनूं। पर एक टेंशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का पार्टनर चुनूं और कैसे चुनूं। तुम्हारी एडवाइस चाहिए, तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? प्लीज, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है अभी, नादान हो तुम, थोड़ी सी संभल जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो और उसके बाद ही फैसला करना। कल्पू हरू बैठो। लिया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। ठीक है, मैंने शांति से तय किया है। देखो मेरे पैर जमीन पर हैं।
तो कौन है? तुम हो। पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। राजू भाई, जरा देखो तो किसका फोन है। पहले कमिश्नर फोन करता था, अब उसकी बेटी कर रही है। क्या, उसे मेरा नंबर कैसे मिल गया? कमिश्नर की बेटी है, फोन नंबर तो निकलवा ही लेगी। लगता है पीछे भागते भागते थक गए, इसलिए अब फोन कर रही है। क्या भाई, डर तो नहीं लग रहा है ना? मैं क्यों डरूंगा भाई, कहीं आपको उससे प्यार ना हो जाए, यही तो डर है आपको। देखा भाई, पकड़ा गया अपना। पागल हो गया तुम। अरे तो साबित करो ना भाई। अरे जब कोई बात ही नहीं तो मैं साबित क्या करूं? कि आप उससे प्यार नहीं करते हो। एक काम करते हैं, भाभी को ही पूछते हैं। चलो भाड़े चले। क्या बात है, तुम बेचैन हो, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है। मन को थोड़ा शांत करो और फिर मेरे पास आना। राजू भाई, उल्टा हो गया क्या? क्या उल्टा हुआ? चश्मा, चश्मा। सायरा को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। जो उसे ले गए हैं उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिसे ले गए वो सायरा नहीं, तुम्हारी जिया है। वो जिया थी। मेरा राजू नहीं मर सकता, वो हमें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता। वो जरूर वापस आएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप भी जानते हो कि राजू और चंदू की दोस्ती कितनी गहरी थी। उसे अभी चंदू की मौत का बदला लेना है। मैं नहीं चाहती कि वो अपना मकसद भूल जाए। करीम भाई, कुछ दिनों के लिए मुझे आपके घर में पनाह मिल सकती है?